हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करा रहे थे। इसमें हम लोग अक्टूबर महीने तक का डिस्कस कर चुके हैं। कुछ कुछ इसमें वीडियो बचा हुआ है, उसको भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा। क्या क्या बचा हुआ अभी मैं बताऊंगा। देखो, इसमें हमने क्या किया था। पहले एक मैगजीन आया था जनवरी से लेके जुलाई लास्ट तक, 31 जुलाई तक, इंग्लिश में तो, और हिंदी दोनों में आया था। हिंदी में जो था वो जून लास्ट तक था, तो हमने दोनों को साथ में किया और मैंने वहाँ पे करवाया जुलाई लास्ट तक, तो वो मैगजीन पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एक मैगजीन आया जो अक्टूबर से अक्टूबर तक था, मतलब अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक। तो हमने क्या किया, उस पिछले महीने 2020 वाले अक्टूबर नवंबर दिसंबर को छोड़ दिया, लेकिन जो 2021 में जिस जो जुलाई लास्ट तक जो हम कर चुके थे उसके अगस्त सितंबर अक्टूबर को मैंने फिर से किया। फिर से क्या किया, मतलब सिर्फ अगस्त सितंबर अक्टूबर 2021 का किया, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया था। अब जो मैगजीन आई है वो जिसमें उसमें जनवरी से दिसंबर तक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें नवंबर दिसंबर का करेंट अफेयर्स करेंगे जिस तरह से वहाँ पे कर रहे थे, और जो जो पिछले मैगजीन का, क्योंकि जनवरी से जुलाई तक वाले का कुछ नहीं छूटा है, इसमें जो जो छूटा था उसको मैं भी ऐड कर दूंगा और अरेंज कर दूंगा काफ़ी क्लियर। तो आप जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये तीनों जो नेशनल वाले हैं ना, नेशनल करेंट अफेयर्स, इन तीनों को मैं ऊपर इनके पास कर दूंगा, ठीक है ना। ये जो चार है ना, 1 2 3 4, इन सब के पास कर दूंगा। तो 4 3 7 और इसमें 1 हो गया 8, 8 करेंट नेशनल का वीडियो हो जाएगा, वो एक साथ हो जाएगा, उसमें पूरे 1 साल का नेशनल करेंट अफेयर्स है, क्लियर। चलिए, इसमें हम क्या, मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि इस करेंट अफेयर्स में, इसमें चाहे स्पीडी के करेंट अफेयर्स में, करेंट अफेयर्स के बाद बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, और आपको पता है हम जब एमसीक्यू डिस्कस करते हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गैदर करने की कोशिश करते हैं और इंटरलिंकिंग करने का कोशिश करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन से दूसरे इन्फॉर्मेशन, इंटरलिंकिंग दूसरे करेंट अफेयर से और साथ ही साथ स्टैटिक के साथ, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इंटरलिंक करें। तो जो करेंट अफेयर्स की मैगजीन है वो तो फ्री रहेगी, लेकिन जो करेंट अफेयर्स में जो हम एमसीक्यू कराते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, इंटरलिंकिंग करते हैं, स्टैटिक के साथ इंटरलिंकिंग करते हैं, ये हमारे कोर्स का पार्ट हुआ। जो हमारा अभी कोर्स आ रहा है बीपीएससी सीडीपीओ का कोर्स, उसमें हम लोग जीएस कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज है, उसके बाद करेंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, क्लियर। तो ये सब कुछ है इसमें, बिहार का कभी करंट अफेयर्स, बिहार का भी एमसीक्यू, एमसीक्यू में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 9582062485 पे मैसेज करके। और जो आप इस वीडियो को, अब थोड़ा सा मैं एक्सटेंसिवली बताऊंगा, मैगजीन से अलावे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देने का कोशिश करूंगा एक एक चीज पे, ठीक है। तो आप देखना, शेयर जरूर करना इसको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगर ये जो कोर्स है आप 1 फरवरी से पहले ज्वाइन कर लेते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आपका प्राइस हो जाएगा 1999, लेकिन अभी प्राइस है सिर्फ 1199, मतलब 1200 है अभी, 1200 में 1 रुपये का, पहले बाद में हो जाएंगे 2000। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यूपी के करेंट अफेयर्स की बात करते हैं। यूपी के करंट अफेयर्स, ये मैं एक्चुअली बना चुका था लेकिन मैंने ऑडियो को क्लिक ही नहीं किया था, तो फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख लिया था। देखो, चार न्यूज इम्पॉर्टेंट है। एक तो हैदरपुर वेटलैंड से रिलेटेड, एक है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उससे रिलेटेड, उसके अलावा एक सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट है, यानी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, उसके अलावा नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको जीरो कार्बन एमिशन वाला बनाया जा रहा है, कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि वहां से कार्बन इमिट ही नहीं होगा, कार्बन न्यूट्रल होगा बिल्कुल वो, क्लियर। तो इन चारों को हम डिस्कस करते हैं।
था क्या पहले, मैं बताता हूँ कि गंगा जी से में नहाते थे, और गंगा जी से नहाने के बाद ये मंदिर में लोग को एंट्री करते थे। तो ये जो रास्ता था ना, बहुत, क्योंकि ये आम आदमी के लोगों के बीच से गुजरता था, समझिए ना, ये ना रास्ता ठीक है। और आपको अगर फॉरेनर्स आएंगे घूमने, क्योंकि आप चाहते हो दुनिया के टूरिस्ट वाला कंट्री बने, तो यहाँ पे लोग ये उतना, जहाँ जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं होगा, यहाँ पे रहने के लिए जगह, होटल्स वगैरह सब कुछ नहीं व्यवस्था होगी, तब तक लोग उतना नहीं आएंगे। तो अब क्या हो गया है कि एक कॉरिडोर बना है, ये बस फर्स्ट पार्ट है, कॉरिडोर बना है गंगा नदी से लेके काशी विश्वनाथ टेम्पल तक। और ये बनाते वक्त यार इतने बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर निकले हैं, मंदिर निकल छोटे छोटे बहुत सारे प्राचीन मंदिर को फिर से खोजा गया है, ठीक है ना। और ऐसा किया गया है कि भले ही प्रोजेक्ट आप नए तरीके से बनाओ, लेकिन ओरिजिनलिटी पे कभी भी खतरा ना हो, ओरिजिनल जो मंदिर है उस स्वरूप को कभी भी थोड़ा भी इधर उधर ना होने दे, क्लियर। और काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान, किस भगवान का मंदिर है? भगवान शिव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो टेम्पल है किस भगवान को समर्पित है, क्लियर। और जो ये मंदिर है वो जो शिव भगवान के 12 जो ज्योतिर्लिंग है, 12 जो शिवलिंग्स है ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें यातायात की सुविधा, मतलब थोड़ा सा लोग ज़्यादा आ पाए, लोग ज़्यादा दर्शन कर पाए इसके लिए, ठीक है। उसके सेकंड क्या है, सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट, यानी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। ये क्या किया है, 5 रिवर को ऐड करने की कोशिश किया है। इसको अभी उद्घाटन कर लिया गया सीएम और पीएम साहब के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है कि कौन कौन से रिवर को जोड़ा है, ये देखिएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, एक्चुअली जब पीएम इंदिरा जी थी तभी ये शुरू किया गया था, ठीक है ना, 1978 के आसपास, क्लियर है, बहुत पुरानी प्रोजेक्ट है। एक और वेटलैंड की बात करते हैं, हैदरपुर वेटलैंड। ऑलरेडी यूपी में 8 और वेटलैंड था, ये जोड़ के 9 वेटलैंड हो गया, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, 9 वेटलैंड हो गया। वेटलैंड को एक और नाम क्या आता है, रामसर साइट। रामसर नाम कहाँ से पड़ा है, ईरान की मीटिंग हुई वहाँ से, क्लियर। इंडिया में अब टोटल साइट कितना हो गया, 47 साइट हो गया, क्लियर। चलिए, नोएडा का जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, उसको कार्बन जीरो के तर्ज पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, झारखंड गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा मतलब कदम उठाया, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि जब हम बजट बनाए ना, बजट बनाए तो उसमें लोग, आम लोग भी अपना भागीदारी दे, अपना सजेशन दे, क्लियर, अपना सजेशन दे। इसलिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है हमर अपन बजट पोर्टल, हमर अपन बजट पोर्टल, क्लियर, हमर अपन बजट पोर्टल, ताकि लोग अपनी राय दे सके इस पोर्टल पे और उसको उसी हिसाब से बजट को ढाला जा सके, क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसके बारे में न्यूज़ तो हमने कई बार सुना ही होगा कि अपने 18+ वाले आबादी को, सबको ये कोविड वैक्सीन का टीका पहुंचा चुके हैं, कोविड वैक्सीन लगवा चुके हैं 18+ वाले, सारे पहले स्टेट बने हैं, फर्स्ट स्टेट। यूटी में हमें पता है, लद्दाख, सिटी में भुवनेश्वर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं तमिलनाडु के बारे में, ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, एक एक दो दो इन्फॉर्मेशन है सारे राज्य के बारे में। तमिलनाडु से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट न्यूज है। तमिलनाडु में एक लेक हुआ करता है, अभी भी लेक है, लेक का नाम है काजू वैली, काजू वैली, ये लेक है जिसका नाम है काजू वैली। इस लेक को क्या किया गया है, इस लेक को राज्य का, स्टेट का 16th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है।
राज्य का 16th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है काजू वैली। यह एक लेक है यानी इसको वेटलैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है सारे वेटलैंड को रामसर डेजिग्नेट करेगा, कुछ वेटलैंड वैसे भी होते हैं, हमारे देश में बहुत सारे वेटलैंड है। ये अलग बात है कि 47 में को ही रामसर ने डेजिग्नेट किया है, आगे भी करेगा और क्या, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो काजू वैली वेटलैंड है, काजू वैली लेक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है साउथ इंडिया का इन मरीन वाटर, खारे पानी में, मतलब सॉल्टी वाटर वाले में, सॉल्ट लेक में, ठीक है। एक तो हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंड तमिलनाडु से रिलेटेड क्या न्यूज है। अभी जो पीयूष गोयल साहब है उन्होंने तमिलनाडु के में एक क्या बनाया है, डिजिटल फूड म्यूजियम बनाया है, डिजिटल फूड म्यूजियम, डिजिटल फूड म्यूजियम लॉन्च किसने किया है, मतलब इसको विकसित किसके द्वारा किया गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हमारे देश में कलेक्ट करते नहीं, फूड कलेक्ट करते हैं फार्मर से और वो फिर स्टोर करते हैं ये, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु हो गया, हिमाचल प्रदेश, और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में पता है क्या किया गया है, जो दुग्ध का उत्पादन है उसको और ज्यादा प्रमोट करना है, दूध का उत्पादन प्रमोट करना है, और दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं उसके लिए बहुत सारा आउटलेट खोलना है कि भाई वो बिक सके, ऑलमोस्ट 500 आउटलेट। तो इसके लिए एक स्कीम उत्तराखंड सरकार ने चलाई है, उस स्कीम का क्या नाम है, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, यानी मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम जो भी बोलो, लेकिन ये हिंदी में ही है स्कीम का नाम है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज, यमुना नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है ब्यासी जल विद्युत परियोजना, ब्यासी वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट, क्लियर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी बुक जो है ना वो इंग्लिश में आया ही नहीं है प्रिंट होके, ठीक है ना, हमारे पास सिर्फ हिंदी का है, और इवन मार्केट में हमेशा आता ना हिंदी के आने के 1 महीने बाद इंग्लिश आता, तो अभी आया नहीं, लेकिन हम लोग पहले ही कर ले रहे हैं, क्लियर, ज़्यादा हमें दिक्कत तो होगा नहीं हम लोग को। ब्यासी वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसकी क्षमता 120 मेगावाट है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कहाँ पे, उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड से रिलेटेड एक और न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, एक देखो जितने भी पार्क वगैरह बन रहे हैं वो आप उत्तराखंड में ही लगा लेना, कुछ इस तरह का पार्क बन रहा है, एक ऐसा केंद्र बन रहा है जिसका नाम है ग्रास प्रोटेक्शन सेंटर, यानी घास संरक्षण केंद्र, ठीक है ना, ये भी उत्तराखंड में बन रहा है। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड ये सारे न्यूज हो गए। राजस्थान से रिलेटेड न्यूज है, राजस्थान ने एक स्कीम चलाया है जिसका नाम है बैक टू वर्क। ये ऐसे वुमेन के लिए है जो अपने फैमिली प्रेशर या कल्चर वगैरह किसी कारणवश उन्होंने काम छोड़ दिया है, तो ऑलमोस्ट 15,000 ऐसी वुमेन को फिर से काम पे लौटाना है, ये ऐसे इसके लिए एक स्कीम है, क्या है, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। ऐसे स्कीम और भी राज्य में होना चाहिए, ये बहुत, क्योंकि बहुत सारी वुमेन शादी के बाद काम छोड़ देती है, इससे रिलेटेड है। एमपी से रिलेटेड न्यूज है, एमपी से रिलेटेड, देखो एमपी के ग्वालियर में पता है क्या किया गया है, एक ड्रोन मेला का आयोजन किया गया है, ड्रोन मेला एमपी के ग्वालियर में,
क्यों किया गया भाई, क्यों किया गया? क्योंकि ये चाहते हैं कि ड्रोन का उपयोगिता एग्रीकल्चर में या कॉमर्शियल फील्ड में ज्यादा हो, लोगों को अवेयर करवाने के लिए ड्रोन मेला बनाया जा रहा है, मतलब आयोजित किया जा रहा है। उसके अलावे भोपाल के जो हबीबगंज है, भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके क्या किया गया, हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है ना, गंज रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, क्लियर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ही हो गया। उसके बाद एक और है, एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम पहले था ना पाताल पानी रेलवे स्टेशन, उसका नाम आदिपसी तांग्या मामा के नाम पे कर रही है। एक और रेलवे स्टेशन था पातालपति, उसका नाम चेंज हो गया आदिवासी, एक आदिवासी थे ट्राइबल पीपल बहुत फेमस जिनका नाम था तांग्या मामा, तांत्या मामा, ठीक है। और ये भी एमपी से रिलेटेड तीन न्यूज है, एक ड्रोन मेला, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, पातालपति। बिहार से रिलेटेड एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट क्या है, ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है, और ये बिहार विधान परिषद जो है उसका कार्य डिजिटली संचालित हो गया। क्या है, ई विधान विधान एप्लीकेशन, ये फर्स्ट राज्य, तो जो बिहार विधान परिषद जो है ना, परिषद मतलब कौन, बिहार विधान परिषद वाला काम सारा अब डिजिटली ही संचालित होगा। चलिए नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड न्यूज है, दो दो है, ठीक है। पहला क्या है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने, पावर मिनिस्टर जो आर के सिंह जी है, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में जो चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब रवि की जो सहायक नदी है जिसका नाम है मारू सुंदर, मतलब सिंपल समझे चिनाब की ट्रिब्यूटरी है जिसका जिसका नाम है मारू सुंदर, उस पे मारू सुंदर मारू सुदूर, ये देख लेना इसका स्पेलिंग, वहां पे मारू सुदूर पे एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है पाकल दूल, पकल दूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसका कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का जो जो गर्मी में जो राजधानी नहीं होता था श्रीनगर, श्रीनगर को यूनेस्को का, यूनेस्को के जो रचनात्मक शहर होते हैं उसमें ज्वाइन कर लिया गया है, यूनेस्को का रचनात्मक शहर श्रीनगर को, याद रखिए श्रीनगर को, क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उड़ीसा से रिलेटेड, उड़ीसा से रिलेटेड तीन न्यूज है वो डिस्कस करते हैं, उड़ीसा, क्लियर। पहला, योग को बढ़ावा देने के लिए, योगा को बढ़ावा देने के लिए ये पहली बार इन्होंने क्या किया, नेशनल योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है, नेशनल यानी राष्ट्रीय योगासन, शन राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ पे, उड़ीसा की कैपिटल में भुवनेश्वर, क्लियर, उससे रिलेटेड। उसके बाद इतना ही ठीक है, उसके बाद उड़ीसा से रिलेटेड योग एक और है, एक महोत्सव मनाया जाएगा जिसका क्या नाम उन्होंने रखा है, बोरता वंदना, बोरता वंदना, बोरता वंदना, क्लियर। ये एक्चुअली किससे संबंधित है, सी के परंपरा से संबंधित है, ओशन ओशन के कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं उड़ीसा से ही है, उड़ीसा के
झारसुगड़ा में एक वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट है, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, इसका नाम चेंज, यहाँ पे एक उड़ान महोत्सव हुआ है, उड़ान महोत्सव हुआ है, क्लियर। तो ये हो गया, एक और वीडियो आ जाएगा उसके बाद हमारा नेशनल वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको बीपीएससी या सीडीपीओ का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, क्लियर। फर्स्ट फैब से पहले आपको ज्वाइन करना होगा, नहीं तो आपको डिस्काउंट जो है वो अवेल नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच।